गौठान योजना से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी गौठान योजना से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने सरकार रोजगार मुहैया करा रही है, जहां महिलाएं कार्य कर अच्छी आमदनी कमा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश में 82,000 गौठान योजना की स्वीकृति दी गई है, जहां मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड में 71 गौठान में से 52 गौठान में महिला समूह के महिलाओं ने कृमि खाद, दोना पतल, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन के साथ मशरूम और सब्जी की खेती सहित कई अन्य व्यवसाय कर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार महिला समूह को राशि मुहैया कर रही, जिससे महिला समूह के महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिए हैं। मैं अंसारी और गुड़खानी से हूँ, सक्री मेला हूँ, और जो आजीविका कर रहे हैं हमारे जो NRM के जो दीदियाँ हैं समूह के द्वारा लोन उठा करके, और मशरूम खेती भी कर रही हैं, और जो अभी खाद है उनको भी बना रही हैं, और मछली पालन भी कर रहे हैं, और खेती भी कर रहे हैं कुछ, मतलब अपने ऋण उठा करके, और बहुत ऐसे कार्य हैं जो महिला कर रही हैं और बराबर समूह से पैसा ऋण उठा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मतलब महिला को इतना आगे बढ़ाए हैं, और बढ़ाने के साथ साथ और आज भी साथ में चल रहे हैं। क्या नाम है? वही पैजनिया महिला सहायता समूह अध्यक्ष राजकुमारी सोनी ने बताया कि गौठान में सभी महिलाओं को सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया कराई गई है, जहां हम सब समूह के महिलाएं गोबर खरीदी के साथ मूत्र भी खरीद रही हैं। यही नहीं, गोबर से कृमि खाद, बाड़ी मछली, मुर्गा पालन के साथ मशरूम के साथ 5 मशीन दिए हैं, जिसमें पोहा, लंबी बाती एवं गोलीबारी, दोना पतल की मशीन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे महिला स्वावलंबन होकर आत्मनिर्भर हो जीवन यापन कर रहे हैं। चल चल, मोर समूह के नाम है जय माता दी स्वयं सहायता समूह, और हमन महिला मन में गौठान में काम करथन, वर्मी खाद बनावाथन, मशरूम के काम करथन, बाड़ी भी लगाथन हमना, और गौमूत्र के खरीदी भी करथन। आप मतलब वर्मी कंपोस्ट से कितना के फायदा हो है अभी तक? 86,000। ओकर अलावा काका करा था गौमूत्र उत्पादन? हाँ, गौमूत्र उत्पादन करथन और मशरूम बनाथन। वही इस योजना के संबंध में लोरमी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप गौठानों में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराई गई है, जहां महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो रही है। पैजनिया में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के फ्लेक्सिप योजना नरवा गरवा घुआ बाड़ी के अंतर्गत गौठानों का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न आजीविकाओं से हमारी महिला समूह दीदी लोग सब जुड़े हुए हैं। वहाँ लगभग 5 एक्टिविटी अभी संचालित हैं, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, बाड़ी विकास, वर्मी कंपोस्ट एवं मशरूम उत्पादन कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4 से 5 महिला समूह द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 महिलाएँ संलग्न हैं। आगे महिलाओं की मांग के अनुरूप उनको अलग अलग मशीन भी प्रदान किया जाएगा, उसके लिए अलग से सेट का निर्माण किया जा चुका है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, CGVision TV।